नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जयराम कैबिनेट की बैठक 4 सितंबर को पीटरहॉफ में, मंदिर खोलने को लेकर हो सकती है चर्चा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार होंगे अनुपम कुमार। हिमाचल में बैंक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मी सहित आज 65 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, 10 हुए ठीक। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने छठनी परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। पंजाब के पूर्व DGP की तलाश में शिमला और मंडी में छापेमारी। चरखड़ी में बना रखा है फार्म हाउस। JEE व नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर हिमाचल में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। हमीरपुर में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से घुटा मजदूरों का दम, 2 की मौत। मंडी आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 17 सितंबर तक करें आवेदन। नादौन के SSB कंपनी कमांडर को नम आंखों से अंतिम विदाई, छोटे बेटे ने दी मुखाग्नि। लैंडस्लाइड से कुल्लू के मलाणा में 4 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त, 1 करोड़ का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जयराम सरकार की अगली कैबिनेट बैठक तय हो गई है। बैठक 4 सितंबर को होगी। ये पीटरहॉफ में सुबह 11 बजे CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार मंदिर खोलने को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद ही सरकार इस मामले में कोई अंतिम फैसला ले सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा कई खाली पदों को भरने पर भी फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल सरकार ने 1 IAS और 2 HAS के पहले के तबादला आदेशों में परिवर्तन करते हुए नई जगह तैनाती दी है। 3 HAS का तबादला किया है, 1 HAS के तबादले के पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं। सहायक नियंत्रक स्टोर इंडस्ट्री विभाग के पद पर अंडर ट्रांसफर चल रही तोरुल एस रिवेश को ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलासपुर लगाया गया है। HP रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर मंडी के निदेशक पद पर अंडर ट्रांसफर चल रहे मस्तराम अब एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर साउथ जोन होंगे। वे हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। ADM कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिलासपुर विनय धीमान को सचिव फूड कमीशन लगाया गया है। उनके पास सचिव HP स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड का भी अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। हिमाचल तकनीकी यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार राकेश कुमार शर्मा को SDM बोरेंज हमीरपुर लगाया गया है। SDM संगड़ा सिरमौर के पद पर अंडर ट्रांसफर चल रहे अनुपम कुमार को तकनीकी यूनिवर्सिटी हमीरपुर का रजिस्ट्रार लगाया गया है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की सोलन रजनीश कुमार अब SDM संगड़ा सिरमौर होंगे। सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन कविता ठाकुर अब सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की का भी अतिरिक्त कार्यभार देखेंगी। वहीं HS सुनीता कप्टा का तबादला आदेश रद्द कर दिए गए हैं। वे सहायक नियंत्रक स्टोर इंडस्ट्री के पद पर बनी रहेंगी। जो उनके पास अतिरिक्त कार्यभार था वह वैसे ही करेगी। जो उनके पास अतिरिक्त कार्यभार था वह वैसे ही रहेगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सिरमौर में 16, ऊना में 15, चंबा में 14, शिमला में 11, कांगड़ा में 4, बिलासपुर किन्नौर में 2-2 व कुल्लू में 1 मामला आया है। वहीं अब तक 10 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें से ऊना में 5, किन्नौर में 4 व कांगड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 5,566 पहुंच गया है। अभी 1,473 एक्टिव केस हैं। अब तक 4,022 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 31 है। प्रदेश में आज अब तक 2,114 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इनमें 88 ही नेगेटिव रहे हैं। 2009 की रिपोर्ट आनी बाकी है। आज के सैंपल में से 17 ही पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के 169 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न लिखित छंटनी परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले 8 जुलाई को जारी अस्थायी शेड्यूल को प्रशासनिक कारणों से रद्द करना पड़ा था। सुपरवाइजर LDR पोस्ट कोड 758 व जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759 की परीक्षा 20 सितंबर को होगी। सुपरवाइजर LDR की परीक्षा सुबह और जूनियर ऑडिटर की शाम के सत्र में होगी। दोनों परीक्षाएं जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी। सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 768 व
सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन अब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड दो पोस्ट कोड 749 की परीक्षा 23 सितंबर को सुबह व शाम के सत्र में होगी। ये परीक्षा हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 771 व टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन पोस्ट कोड 770 की परीक्षा 24 सितंबर को प्रस्तावित है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की सुबह और टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन की शाम के सत्र में हमीरपुर में आयोजित होंगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सबसे पहले तो विशेष जांच दल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित मकान नंबर 348 पर डीएसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई में छापेमारी की। यहां पर पूर्व डीजीपी पुलिस के हाथ नहीं लगे। ऐसे में पुलिस ने डीजीपी की कोठी पर अपना ताला लगा दिया। इसके अलावा मोहाली और हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित चरखड़ी में उनके फार्म हाउस पर भी विशेष जांच दल ने दबिश दी है। सैनी तीनों ठिकानों पर नहीं मिले। इसके बाद शिमला में क्लस्टर में भी छापेमारी की जा रही है। आरकेएमवी के पास स्थित क्लस्टर के पास पुलिस भी मौजूद है। इसके पहले मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली जंकरी गांव स्थित उनके फार्म हाउस पर पंजाब पुलिस की टीम ने छापेमारी की। सुबह सवेरे पंजाब पुलिस की टीम यहां स्थित फार्म हाउस पहुंची और पूरे फार्म हाउस को खंगाल डाला, लेकिन सुमेध सिंह सैनी पुलिस को यहां नहीं मिला। काफी देर यहां रुकने और कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद पंजाब पुलिस की टीम वापस लौट गई है। कोरोना महामारी के दौरान जेई नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर ऊना जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के बाद इस संबंध में एक ज्ञापन भी सरकार को भेजा गया है, जिसमें इस परीक्षा के संचालन के बाद देश में पैदा होने वाली समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं के संचालन से जहां केंद्र सरकार देश भर के लाखों छात्रों की जान को जोखिम में डाल रही है। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में एजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और परीक्षाओं को कोरोना महामारी की स्थिति ठीक होने पर करवाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां स्थित पंधेड़ इलाके में सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने गए दो मजदूरों की जहरीली गैस लगने से मौत हो गई। बताया गया कि जिस सेप्टिक टैंक में मजदूर उतरे थे वह काफी दिनों से बंद था। टैंक में उतरने के बाद ही दोनों मजदूर अचेत हो गए। इसके बाद वहां मौजूद तीसरे मजदूर ने शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए बुलाया। मजदूर की गुहार सुनकर लोग वहां आ तो गए, लेकिन खतरे को देखते हुए कोई भी टैंक में उतरने को राजी नहीं हुआ। इसके बाद दमकल कर्मियों को फोन कर मौके पर बुलाया गया, जो टैंक में फंसे दोनों मजदूरों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए, जहां पर डॉक्टर ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भरौण सांबल में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में 17 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी धनीराम ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका के
पद के लिए उम्मीदवार साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लगाएं। साक्षात्कार 21 सितंबर को सुबह 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी के सदर कार्यालय में लिए जाएंगे। इस पद के लिए महिला उम्मीदवार संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडर एरिया में 1 जनवरी 2020 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से हो। उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 से अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर SSB में तैनात कंपनी कमांडर विश्वजीत शर्मा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। विश्वजीत शर्मा के छोटे बेटे सम्राट शर्मा ने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। सपड़ी से पहुंचे SSB की टीम ने सलामी दी। इससे पहले पार्थिव शरीर के पहुंचते ही उनके घर समेत पूरे शहर में माहौल गमगीन हो गया। उनकी वृद्ध माता, पत्नी और बेटे सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विश्वजीत शर्मा नौतनवा में बैरियर बाजार बॉर्डर आउट पोस्ट पर SSB की 66वीं बटालियन में तैनात थे। SI राजेंद्र कुमार की अगुवाई में सेना की टीम ने नेपाल बॉर्डर से शर्मा के शव को हिमाचल के हमीरपुर जिला नादौन के वार्ड नंबर 3 में स्थित उनके घर तक पहुंचाया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ विश्वजीत शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। कुल्लू जिले के प्राचीन विश्व प्रसिद्ध लोकतांत्रिक गांव मलाणा में भारी बरसात के कारण 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें करीब 1 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे एक एक कर सभी मकान धराशायी हो गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। लगातार हुई बारिश के चलते ये भूस्खलन शुरू हुआ। ये मकान भी इसकी चपेट में आ गए। मलाणा पंचायत के प्रधान भागे राम राणा ने बताया कि घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। SDM कुल्लू अमित कुलेरिया ने बताया कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, जिसने राहत कार्य शुरू कर दिया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।